कुछ ऐसा हो जाए कि गूगल सर्च में जब आप अपीयर हो रहे हो, चाहे फर्स्ट पेज पे हो रही हो चाहे सेकंड पेज पे हो रही हो, अगर फर्स्ट पेज की केस में ये चीजें हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जो 10 रिजल्ट दिखाया जा रही है उन 10 रिजल्ट को जो है समान समान स्पेस या फिर जगह दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसा तरकीब है, कुछ ऐसा तरीका है जिसको यूटिलाइज करके आप उस स्पेस में आपके लिए जो पोजिशन है, आपका जो स्पेस होगा वो आप बढ़ा सकते हो। मैं इन सारे डिटेल के ऊपर आज हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरब गोस्ट। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्राउज़र पे टाइप करता हूँ एक कीवर्ड्स और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस जगह को इंक्रीज कर सकते हो। उससे पहले यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टाइप किया पीएम किसान, ठीक है। अब पीएम किसान टाइप करने के बाद यहाँ पे दो स्टोरीज आ रहा है, इस सेक्शन को आप इग्नोर कीजिए। बाकी यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट आ रहा है आप यहाँ पे देखेंगे ना कि जो नेचुरली जो ऑर्गेनिकली सर्च रिजल्ट आ रहा है इनमें 1, 2, 3, 4 इन सबको जो है ना सेम स्पेस मिला। यहाँ पे जो स्पेस है ना इसको आप थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो सेक्शन है इनको भी जितना जगह मिला है, सेकंड में जो है इनको भी सेम उसी जगह मिला है यहाँ पे सर्च रिजल्ट में। अगर तीसरी की बात करें तो यहाँ पे भी जो इनको भी सेम जगह मिला है इनको सर्च रिजल्ट में, ठीक है। इनके लिए जो जगह यहाँ पे दिया गया है वो सेम सेम है। और यहाँ पे चौथे नंबर पे जो रैंक कर रहा है, मतलब जो भी है, इनको भी जो यहाँ पे सेम जगह दिया गया है। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि यहाँ पे ये जो जगह है इसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर पहले नंबर पे ये जो रैंक कर रहा था इसको अगर ये दो जगह एक साथ मिल जाए, ठीक है, यहाँ तक यहाँ जो है उनको सर्च रिजल्ट में अपीयर हो जाए, और सेकेंड में जो रैंक कर रहा है अगर इनको इतना लंबा जगह मिल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा कि यहाँ पे क्लिक्स आने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितना जगह आपका एक्स्ट्रा आपको मिल रही है उतना ही जो है क्लिक्स आने का चांसेस बन जाता है। और ऑर्गेनिक क्लिक्स मीन की आपकी एसईओ इंक्रीज हो रही है और साथ में आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, साथ में आपका पैसा भी बढ़ रहा है। तो हम वही तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग गूगल सर्च में से ज्यादा जगह जो है आप लोग एक्वायर कर सको, ज्यादा जगह जो आप खुद के लिए बना सको गूगल सर्च में, ताकि आपके पोस्ट के अंदर क्लिक्स आने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। सो हम डेमो यहां पे दिखाया है, अब लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं कैसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करता हूं और उसके बाद मेरे को क्या रिजल्ट मिला है, ये आप देख लीजिए। सो यहां पे मैं चलता हूं और यहां पे मैं जाने के बाद एक कीवर्ड टाइप करूंगा सिर्फ मैं यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल पुष्पा फुल मूवी डाउनलोड इन हिंदी, ठीक है। सो हम इतना सा टाइप किया और यहाँ पे रिजल्ट आप लोगों के सामने, जैसे कि मैं आपको अगेन दिखाना चाहूंगा कि मेरे को कितना रिजल्ट मिला है सर्च रिजल्ट में। जैसे मेरे को तो यहाँ पे टॉप रिजल्ट मिला ही मिला है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं किस तरीके से एसईओ करता हूँ, लेकिन मेरे को कितना जगह मिला है आप देख सकते हो कि मेरे को गूगल सर्च में कितना जगह मिला है यहाँ पे। भाई इतना सा जगह मेरे को मिला है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्लिक्स आने का चांसेस कितना बन सकता है। ओके, सो ये तरीका है कि मैं इन सब तरीकों को यूज करता हूं। छोटे छोटे चीजें ना एसईओ में जो बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है यार, तो इन सारे छोटे छोटे चीजों को जो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहां पे मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि मैं कौन कौन से यहां पे जो स्टेप है उसको मैंने फॉलो किया हूं। सो नंबर वन जो स्टेप है मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए ये रहा स्टेप है, ये जो चीजें है ये आपका FAQ पोस्ट के अंदर FAQ स्कीमा आपको डेफिनेटली डालना होगा। ये सब स्कीमा है, स्कीमा FAQ भी एक स्कीमा होता है, स्कीमा टाइप होता है। तो FAQ स्कीमा की वजह से जो नॉर्मली जगह मिलना चाहिए था, जैसे कि अगर विदाउट FAQ स्कीमा अगर आपने मैं इस पोस्ट को पब्लिश करता तो मेरे को इतनी सी जगह मिलता है, इतनी सी, ये छोटा सा, ठीक है। अगर मैंने इसके साथ FAQ ऐड कर दी तो यहाँ पे मेरे को इतना सा स्पेस जो है ज्यादा मिलना शुरू हो चुका है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है रेटिंग जो स्कीमा होता है, रेटिंग स्कीमा भी मैंने ऐड किया और उसके वजह से मेरे को यहाँ पे और भी इतना सा जगह जो है ऐड मेरे को मिल गया है, ठीक है। सो कुल मिला के अगर नंबर वन पोस्ट की बात करें, सो मैं फिर से आपको इन सबको इरेज करके आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं इन सबको इरेज करता हूं और देखिए नंबर वन पोस्ट पे मेरे को कितना जगह मिला है, इतना सा जगह मिला है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दूसरी वेबसाइट, मतलब दूसरे नंबर पे जो वेबसाइट रैंक करे उनको कितना सा जगह मिला है, इतना सा जगह मिला है। गूगल सर्च में, मैं अगेन कह रहा हूं कि गूगल सर्च में आपको जगह बढ़ाना है और जगह बढ़ाने की यही तरीका है कि आपको FAQs ऐड करना होगा,
आप कम से कम 4-5 FAQs ऐड कीजिए, उनमें से 3 जो है गूगल सर्च में हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी 2 भी दिखाता है। तो मेरे केस में अभी 2 दिखा रहा है और बाद में 3 भी दिखाएगा, तो यहाँ पे स्पेस और भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगेन मैंने जो है स्टार रेटिंग यूज किया हूँ। स्टार रेटिंग हर समय जो है काम नहीं करता है, मेरा ये थोड़ा सा मूवी रिलेटेड कंटेंट है, थोड़ा सा रिस्की कंटेंट है, तो इस केस में मैं इस कंटेंट को जो है बूम देने के लिए, बूस्ट देने के लिए या फिर लोगों की अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए मैंने ये जो स्टार रेटिंग स्कीमा है इसको यूज किया हूं। आप लोग चाहे इसको यूज करो, नॉर्मली केस में इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मेरे को इतनी सी जगह मिलना चाहिए था तो मेरे को यहां पे फिर जो है क्यों जगह मेरे को मिल गया है, ये जो है मेरा दूसरा मेथड है जिसको मैं अप्लाई करता हूं। जब भी मैं ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर काम करता हूं मैं इस चीज को अप्लाई करता हूं। क्या है, मैं अगेन इन सबको रिमूव करके आपको दिखाता हूं। देखिए मेरे को टोटल कितना जगह मिला है, इतना जगह मिला है, टोटल मेरे को इतना जगह मिला है। पहले पोस्ट के लिए मेरे को कैसे कैसे किस तरीके से जगह मेरे को दिया गया है वो भी मैं आपको समझा दिया हूं। अब यहां पे आता है और एक पोस्ट जो कि इसी टाइटल की मिलता जुलता पोस्ट है, राइट। जो भी जिसके बारे में जो भी मेरा टारगेटेड कीवर्ड है उसके बारे में मैंने 2 पोस्ट लिख देता हूं जब ट्रेंडिंग में पोस्ट चलता है, ताकि मेरे को जगह जो है ज्यादा मिल जाए। और ऐसे आपने बहुत बार देखे भी होंगे गूगल सर्च में कि भाई एक ही वेबसाइट की 2 अलग अलग पोस्ट को 1x1 जो है सर्च में दिखाया जाता है, भले ये टॉप पे रैंक कर रहा है, जब ये सेकंड में थर्ड पे रैंक करेगा ना, फिर भी ये दोनों जोड़ी को जो है एक साथ ही हमेशा ही दिखाने की कोशिश करता है। बाद में ये क्रैश भी हो सकता है, मतलब गूगल, क्योंकि गूगल सर्च किस प्रकार से काम करे उनको समझना इतना तो आसान नहीं है। फिर भी मैं जो तिगड़म यहाँ पे लगाता हूँ वो रिजल्ट यहाँ पे निकल करके आता है और मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ। आई होप कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है कि आपको करना क्या है। आपको एफएक्यू स्कीमा ऐड करना है, उसके बाद जो है जिस टारगेटेड कीवर्ड के रिगार्डिंग से आपने पोस्ट लिख रही हो आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये वर्क करेगा ही करेगा, मैं लिख के नहीं बता सकता हूं, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं लाइव प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। ये कोई एडिटिंग चीज नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको पेज को रिफ्रेश करके भी दिखा सकता हूं। अगेन मैं पेज को रिफ्रेश किया, वही सेम चीज आ रहा है, मैं फिर से अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं देखिए वही चीज है, ठीक है। सो इसको आप ट्राई करके देख सकते हो कि एक जो टारगेटेड कीवर्ड है उससे ही जो है आप मिलता जुलता 2 पोस्ट बनाइए, कभी ना कभी 2 पोस्ट एक साथ में एफएआर होगा। अगर एक बार फर्स्ट पेज में भी आने लगा, अगर टॉप में भी इस प्रकार से 2 पेज एक साथ दिखाई देने लगेगा, तो आई थिंक समझ में आ रहा है कि कितना ट्रैफिक आप ले सकते हो। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, छोटा सा जानकारी। आई होप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ा जानकारी मिल गया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पसंद आई चैनल के साथ जुड़ सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो दोस्त रिश्तेदार बंधु को। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए।